अब फैमिली या दोस्तों से चैट करने के साथ साथ आप उनके साथ पैसों का ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने आज से भारत में अपनी पेमेंट सर्विस की शुरुआत कर दी है। ये मंजूरी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने दी है। व्हाट्सएप 160 से ज्यादा बैंकों के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा और इसने देश के 5 प्रमुख बैंकों ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप के दावे के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट करना बहुत आसान होगा। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप भी व्हाट्सएप पे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप व्हाट्सएप पे पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक बैंक खाता और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद आपके व्हाट्सएप में फोटो वीडियो भेजने वाले अटैचमेंट आइकन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पेमेंट का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट और दूसरी जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको फोन कॉल्स और मैसेज पढ़ने की परमिशन भी देनी होगी। इसके बाद पेमेंट करने के लिए UPI पासकोड बनाना होगा। अगर आपके पास पहले से ही UPI पासकोड है तो उसे भी व्हाट्सएप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। NPCI से मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस 10 क्षेत्रीय भाषाओं के व्हाट्सएप वर्जन में उपलब्ध होगी। जकरबर्ग ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट करने पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं वसूला जाएगा। व्हाट्सएप के भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन व्हाट्सएप को अभी सिर्फ 2 करोड़ यूजर्स को ये फीचर उपलब्ध कराने की मंजूरी मिली है। बाकी 38 करोड़ यूजर्स के लिए अभी ये फीचर उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि बाद में व्हाट्सएप अपने UPI यूजर बेस को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा सकेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि अकाउंट बनाने के बाद आप ट्रांजैक्शन कैसे कर सकेंगे। जिस शख्स को आप पैसे भेजना चाहते हैं उसका चैट खोलें। इसके बाद मैसेज बॉक्स में अटैचमेंट के निशान को टच करें, पेमेंट पर टैप करें और जितने पैसे भेजने हैं उसे भरें। उसके बाद UPI पिन मांगने पर उसे भरें। पेमेंट होने के बाद आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए आप UPI इनेबल्ड किसी भी पेमेंट ऐप पर पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। व्हाट्सएप के भारतीय नंबर पर ही पेमेंट किया जा सकेगा। अगर कोई यूजर इंटरनेशनल नंबर पर व्हाट्सएप ऑपरेट करता है तो उसे पेमेंट सर्विस नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप पिछले 2 साल से भारत में अपना पेमेंट सेटअप लाने की कोशिश कर रहा था, जो अब जाकर पूरा हो गया है। इससे एक चीज ये भी होगी कि बाजार में मौजूद दूसरे पेमेंट ऐप्स को भी टक्कर मिलेगी। कॉम्पिटिशन होने से इन ऐप्स पर मिलने वाले ऑफर का फायदा सीधा ग्राहकों को होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि सभी ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पेमेंट कब शुरू होगा।